विद टू साइड टेबल के साथ है। अच्छा। फ्रंट हाइड्रोलिक के है और किंग साइज के अंदर है। ये भी सर नया लॉन्च जो है हमारा, ये बिल्कुल थोड़ा जो इसका कलर है ना वो मार्केट में बिल्कुल हमने नया लेके आए हैं एक्चुअली ना। इसका पूरा हेडबोर्ड ये अलग से है आपको, इसकी जो साइड टेबल है वो बिल्कुल अलग से है। जी बताइए। ये विनियर का काम हो रखा है सर इस पे, जो ऊपर आप देखोगे विनियर का वर्क है, ये विनियर वर्क है वो सर। पॉलिश आप देखोगे, अगर बिल्कुल मैं व्यूअर्स को कहूंगा बिल्कुल क्लोजअप करके आप दिखाएं इसकी फिनिशिंग, आपको बिल्कुल प्यू पॉलिश मिलेगी सर। ठीक है। और फ्रंट पे हमने इसके सेम आपका मैचिंग का वो कर दिया है, साइड्स में वर्क बिल्कुल, साइड्स में हमने फैब्रिक यूज किया सर इसका। अच्छा जी, ये काफी अच्छा लगा मेरे को। इसमें अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो सर सेम पॉलिश हम करा सकते हैं, पॉलिश ही आपको कंटिन्यू हो जाएगी, पॉलिश मिल जाएगी सर। प्लस मैं बात करूंगा सर, जैसा हमने हेडबोर्ड रखा है सेम मैंने साइड टेबल का टॉप इसका वुडन का कर दिया है, सेम मैचिंग का। बहुत अच्छा। प्लस 2 ड्रॉर कर दिए, डायमंड कट में मैंने इसके नॉब कर दिए सर, ताकि हमारा फैब्रिक से मैचिंग कर जाए सर। ठीक है, बहुत अच्छा है बिल्कुल। तो इसमें क्या हो गया, हमने पहले हर बेड में बॉक्सेस दिखाए थे वो सिंगल टोन में जा रहा था हमारा, पूरा पॉलिश था पूरा फैब्रिक था। इसमें क्या हो गया, डुअल टोन दिखा दिया आपने। आपके जो ये डिजाइन है ना मार्केट में बहुत कम दिखने वाले, ना के बराबर दिखने वाले है ये सर। हमारा क्या है, हर एवरी मंथ आपको नया डिजाइन मिलेगा देखने के लिए ना, बिल्कुल। हमारा क्या हर 15 दिन में 20 दिन में डिस्प्ले चेंज होती है, कस्टमर्स आते हैं डिस्प्ले से ही पिक कर लेते हैं सर। अभी ये जो बेड है ये देखिए सर, पूरा आपको ये कटिंग के अंदर मिलेगा, सीएनसी वर्क हो रखा है बिल्कुल। एमडीएफ पे सीएनसी बताइए बताइए। ये एमडीएफ की कटिंग के अंदर है सर। हाँ। पूरा इसमें जो इसका डेप्थ के लिए यही सेम डिजाइन हमने बेड्स के साइड में भी यूज किया है। अच्छा, बॉर्डर पे नीचे एकदम बॉटम पर, बहुत अच्छा है इसकी जो बॉर्डर है बिल्कुल सर। इसकी साइड टेबल भी हमने सेम कंटिन्यू किया है जैसा आप देख रहे हैं, 2 ड्रॉर के अंदर है सर। ये एक चीज अच्छा करा आपने, ये विदाउट नॉब के अंदर है सर। वही मैं कह रहा था कि ये हैंडल यहीं पे ग्रूविंग में दे दिए, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है सर, कई बार ना नॉब में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हमने ये भी एक डिजाइन दिया कॉन्सेप्ट कस्टमर्स के लिए। प्रॉब्लम भी आती है, कभी-कभार लग भी जाता है पैरों पे। बिल्कुल सर, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत यूनिक कलर है। ये तो काफी पसंद आ गया। ये जो कलर है काफी डिफरेंट है, मार्केट में शायद ही आपको नहीं, मैंने नहीं देखा बिल्कुल। और इसकी साइड टेबल तो सर प्लस है इसकी। हाँ बिल्कुल, अगर आप सामने से देखोगे इसकी साइड टेबल प्लस बेड की जो बॉर्डर है बिल्कुल सेम है सर। ठीक है। तो आपको फैब्रिक से मैचिंग की इसकी पॉलिश की गई है सर, फैब्रिक से मैचिंग है। मतलब सर कह रहे हैं कि आपके जो भी रूम की थीम है बिल्कुल सर, उस हिसाब से आप अपना फैब्रिक चूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फैब्रिक के हिसाब के आपको पॉलिश चाहिए वो भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सर। है ना सर, आप हमें बस फोटो शेयर कीजिए सर अपने इंटीरियर का, उसी से मिलता हुआ हम सेम आपका पॉलिश करके देंगे। बेड आपका बेड है, साइड टेबल वगैरह कोई भी रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल मैच करके देंगे सर। ठीक है। ये सर हमारा डायमंड बेड है। अच्छा। जो अभी ग्रे के अंदर है, इसमें लेदराइट यूज किया गया है सर। ठीक है। लेदराइट भी ये हमारा करीबन 300 जीएसएम के अंदर है सर। अच्छा। पूरा इसके अंदर करीबन 3 या 4 इंच की कुशनिंग की गई है सर बैक साइड में। डिजाइन है इसमें, हम जो फैब्रिक यूज कर रहे हैं वो स्वेड फैब्रिक यूज कर रहे हैं बैक साइड के अंदर। अच्छा। और इसकी जो तीनों साइड्स होंगी वो हमने प्यू पॉलिश के अंदर सर यूज की है। इसमें बैक में आप देखोगे स्टिचिंग है सर, लाइंस का है बिल्कुल। अच्छा, ये स्टिचिंग दिख नहीं रही उस एक्चुअली सर, वो लाइट्स में नहीं दिख रही होगी आपको। फ्रंट में भी स्टिचिंग है और इसके जो फुटर है बेड का उसमें भी हमने सेम लाइनिंग यूज की है सर। ठीक है, मैचिंग के लिए। पूरा प्यू पॉलिश के अंदर है सर। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको शाइनी होगा ये, अगर आपको मैट में चाहिए मैट हो जाएगा। अभी ये ग्लोसी के अंदर है सर। ठीक है। तो आपने बता दिया कि आप प्लाईवुड क्या मटेरियल लगाते हैं बेड में। बैक सर पियानो डिजाइन है हमारा ना, इसमें मैट फिनिश के अंदर है। इसकी जो पॉलिश है वो फैब्रिक से मैचिंग की है, थोड़ा सा डिफरेंस है सर। हाँ, फैब्रिक का और पॉलिश का थोड़ा सा हमने कॉम्बिनेशन दिया है इसके अंदर, लाइट एंड डार्क का। बिल्कुल सर। और इसमें आप देखोगे स्ट्रिप देखोगे सर, अभी हमने दी है ग्लास वाली जी। इसमें अगर आपको चाहिए गोल्ड, रोज गोल्ड, सिल्वर वो भी हो जाएगा। अभी इसमें हमने दी है ग्लास वाली। ठीक है। अच्छा, ग्लास वाली है। बिल्कुल सर, ये ग्लास है इसके अंदर ना, ग्लासेस वाली स्ट्रिप है। अच्छा, ग्लास वाली स्ट्रिप है। वैसे मेटल हमने सुनी, मैंने आज पहली बार सुना ग्लास वाली स्ट्रिप। ग्लास एक्चुअली हमने ये अभी रिसेंटली डिजाइन निकाला है, तो इसमें ग्लास वाला हमने स्ट्रिप यूज किया है। अच्छा। और इसी का कॉम्बिनेशन फैब्रिक और इसका हमने दिया है अलग से। ठीक है। अब इसमें भी पूरा कस्टमाइजेशन है, फैब्रिक का हो, साइज का हो, फ्रंट में सेटी चाहिए या प्लेन चाहिए वो मिल जाएगी। इसका मैं आपको फैब्रिक बता देता हूँ, इसमें भी काफी शेड का फैब्रिक आता है। एक्चुअली जो हम पॉलिश कर रहे हैं अभी, वो अभी एशियन पेंट्स की कर रहे हैं। पूरी कोशिश रहती है सर, जो कस्टमर फैब्रिक पसंद करता है उससे मैचिंग की हम आपकी पॉलिश करके दे। ठीक है। प्लस इसमें जो ये मेटल लगी हुई है, मार्केट में आप देखोगे तो काफी तरह की आपको स्ट्रिप्स मिलेंगी, बट जो हम यूज़ करते हैं A1 ग्रेड की यूज़ कर रहे हैं सर। इसमें आपको गोल्ड, रोज गोल्ड, सिल्वर आपको मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस काफ़ी मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस इसमें जो चैनल्स लगे हैं सर साइड टेबल के अंदर, वो हमने सॉफ्ट क्लोज के लगाए हैं। अच्छा, हाँ जी। इसमें आपको सिंगल ड्रॉर चाहिए, डबल ड्रॉर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा सर। ठीक है। बेड्स के अंदर अगर मैं बात करूँ सर, टॉप पे हम दे रहे हैं 18 mm की प्लाई दे रहे हैं। ठीक है। नीचे जो दे रहे हैं 12 mm की प्लाई दे रहे हैं। ठीक है। इसका सर पूरा जो बेड का है कस्टमाइजेशन हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये बेड जो है मार्केट में बहुत चलता है, जो डिजाइन बैक पर हो रखा है ये वाला हमारा, हाँ हाँ, ये बहुत चलता है। बिल्कुल सर। इसमें खास बात है, इसके साथ एक ऑटोमैन अटैच है। यस, है ना, ऑटोमैन अटैच है सर। ये एक्चुअली हमने एड ऑन किया है। मार्केट में आप देखोगे रेगुलर ये हम जानते हैं कि बिक रहा है, बट हमने एड ऑन क्या किया इस बेड्स के अंदर, ये सेटी, इस पे बंदा बैठ के ना आप स्पेसफुली अपना शूज वगैरह डाल सकता है, बंदा बैठ के हर तरह से यूज कर सकता है। तो इसलिए हमने ये सेटी दी है। इसकी जो डेप्थ है करीबन 8 इंच की है। अच्छा, इसकी खाली जो ऑटोमैन की जो ये सीट दे रखी है इसकी, हाँ, इसकी 8 इंच की है। इसमें भी आप अपना कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, अगर आपको साइज प्लस माइनस कराना वो भी हो जाएगा। और कोई इसमें अगर कहता है कि मेरे को इसके चाहिए, इसके अंदर वो भी हो जाता है। बिल्कुल होता है सर। अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक एक कस्टमर को दिया है, उनकी यही डिमांड थी कि हमें इसके अंदर स्टोरेज चाहिए, तो हमने इसमें स्टोरेज भी करके दी थी। साइज में कुछ फर्क आता है? नो सर, सेम साइज में। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, तो एक बार अंदर से दिखा सकते हैं बेड? बिल्कुल सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना फ्रंट हाइड्रोलिक के अंदर है अभी। अच्छा, फ्रंट हाइड्रोलिक मतलब वन पीस में आपका टॉप रहने वाला है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो इजी टू यूज होता है हमारा, इसमें जो हम अभी हाइड्रोलिक यूज कर रहे हैं सर, वो एप्को कंपनी का कर रहे हैं। अच्छा, एप्को ब्रांड है? एप्को ब्रांड, बिल्कुल। फर्नीचर में अगर आप जाओगे हाइड्रोलिक्स वगैरह सारे आपको एप्को कंपनी के मिलेंगे, और मोस्टली बेड्स वगैरह में, हार्डवेयर में एप्को ही मिलेगा आपको। प्लस पॉइंट हमारा यही है एक्चुअली। ये क्या है हमारा, कई बार आपने देखा होगा जैसे सिंगल पल्ला तो होता नहीं है, डबल पल्ला होता है, तो उसको ज्वाइंट करने के लिए बंदा ऐसे छोड़ देता है। अगर इसमें आप देखेंगे हमने ज्वाइंट दे रखा है, सपोर्ट दे रखी है आपने इस पे। इसमें क्या है, अगर प्रेशर भी आएगा तो भी आपकी प्लाई में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वन पीस में इतनी बड़ी प्लाई नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो लेंथ है पूरी जो हेडबोर्ड की, वो करीबन 9 फीट के अंदर है। 9 फीट में अगर कई बार रिक्वायरमेंट होते कस्टमर को कि मेरे को यहाँ पे शॉकेट चाहिए, तो वो भी हम सर इसमें लगा के दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है सर। तो मतलब सर की कस्टमाइजेशन है, तो घर पर कभी आते हैं मेजरमेंट के लिए तो पहले सारी जगह देखी जाएगी। बिल्कुल, कि कहाँ पर क्या सॉकेट, प्लग क्या लगना है, उस हिसाब से बेड बनेगा या सोफा बनेगा। कस्टमर से हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 9 फीट का हेडबोर्ड है, उसमें स्विचेस तो सर रिक्वायरमेंट रहते ही हैं, तो हम इसमें लगा के दे देते हैं, स्विचेस ऐड ऑन हो जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है सर। ऊपर से इसमें ऑटोमैन में एक स्टोरेज भी ऐड हो सकती है। बिल्कुल सर, ये प्लस पॉइंट है सर कस्टमर्स के लिए। बिल्कुल। ये सर हमारा सोफा मैक्सिकन है, इसका नाम है, और एवरग्रीन है सर। आते कस्टमर्स को ना बैठ के इसका जो कंफर्ट है ना सिटिंग में प्लस बैक में, वो सर अलग ही लेवल है सर इसका। इसकी आप आर्म्स देखोगे ना वो भी काफी अलग है जी जी। प्लस सिटिंग में अगर बंदा बैठता भी है ना तो भी उसको काफी रेस्ट फील होता है। ये देखिए, नहीं वाकई बहुत ये प्रीमियम कैटेगरी का फर्नीचर है। बिल्कुल सर, इसके जो ऊपर की स्टिचिंग है, हाँ, हर स्टोर पर नहीं मिलेगी ये वाली। मैं यही चीज आपको दिखा रहा हूँ सर। इसमें जो स्टिचिंग यूज कर रहे हैं हम, जो मैंने रिक्लाइनर में बताया था आपको 9 प्लाई का थ्रेड यूज कर रहे हैं सर। इसमें 9 धागे मिलके वो सिंगल धागा यूज हो रहा है। इसमें आप प्लस देखोगे एक भी धागा आपको इधर उधर भागता हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा। थ्रेड जो मिलेगी स्टिचिंग के लिए एक अलग ही मशीन आती है आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर, डबल नीडल मशीन बोलते हैं एक्चुअली, वो मार्केट में रेयर ही किसी फैक्ट्री में होती है, हमारे यहाँ बिल्कुल आपको मिलेगी। और आपको कंफर्ट प्लस बैक कंफर्ट एकदम अलग लेवल मिलेगा सर। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें भी हम कलर आपका कस्टमाइजेशन करते हैं, फैब्रिक का हो, साइज का हो, हर तरह से आपका कस्टमाइजेशन करते हैं सर। डिजाइन दिख रहा है एक। बिल्कुल सर, मतलब इसे मार्केट में ना लोग लेक्सस सोफा कहते हैं, आप पता। ये सर हमारा सोफा है, मोरिस सोफा है। बहुत अच्छा कलर है। बिल्कुल सर, थोड़ा डिफरेंट सा है, ग्रीन है सर। नॉर्मली चलता है ब्लू, बेज, ग्रीन, एवर। ये सर एवर पिस्ता ग्रीन सा आ गया कलर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए, इसमें सर आप देखोगे ना पूरा ये कच्ची कुल्टिंग नहीं है, इसे पक्की कुल्टिंग के अंदर है सर। बिल्कुल स्टिचिंग है, थ्रेड है जो बिल्कुल आपको स्ट्रेट मिलेंगे, चाहे वो आपके धागे हैं या फिर बटन्स आप इसमें लगे हुए हैं। कुशन्स इसमें आप डिफरेंट डाल सकते हो सर। अभी हमने बिल्कुल सेम कलर के इसमें कुशन डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये एक टक्सीडो स्टाइल सोफा हमारा। टक्सीडो में क्या होता है सर? ये कॉम्पैक्ट साइज बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट होता है टक्सीडो। कॉम्पैक्ट कई बार हो जाता है सर साइज वगैरह का इशू होता है घर के अंदर ना। आर्म ऐसी रहती है, आर्म प्लस बैक एक लेवल पे रहती है, और ये बैक कभी स्लैंट नहीं आती, एकदम सीधी होती है। कंटिन्यू चल रही है सर बैक और हैंडल ना, बिल्कुल इसका कंटिन्यू चल रहा है, एक ही साइज के अंदर चल रहा है। बस उसमें क्या होता है, उसमें स्ट्राइप्स होती है हमारी, सीधी सीधी सिलाइयां होती है, इसमें हमारी क्विल्ट है। अभी सर ये हमने जो निकाला है ये सोफा, इसीलिए निकाला है कि ये कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है, कहीं भी किसी भी छोटे से साइज के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइनर। इसमें आपका फैब्रिक पूरा कस्टमाइजेशन रहेगा, थ्रेड आप इसके देख सकते हैं एकदम सीधे बिल्कुल। इसमें जो हमारी मशीन्स भी होते हैं, डबल निडल की मशीन से इसको स्टिचिंग किया जाता है सर, क्योंकि ये जो स्टिचिंग दिखा रहे हैं ना आप, ये बड़े बड़े जो ये टाके से दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक बड़ी मशीन से बड़ी मशीन है। प्लस इसमें पॉइंट सर क्या है, जो इसके थ्रेड है, धागे है ना, सिंगल धागा नहीं है, इसको बोलते हैं 9 प्लाई। अच्छा 9 प्लाई, बिल्कुल 9 धागे मिलके तब एक सिंगल धागा बनता है सर, तब ये एक सिंगल धागा चलता है रिक्लाइनर के अंदर। जी जी, क्योंकि ये मशीन ना हर फैक्ट्री में नहीं मिलेगी, मैंने बहुत विजिट करी है। ये ऊपर वाली सिलाई ना एक प्रीमियम कैटेगरी फर्नीचर बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी ये मैनुअल के अंदर है विद पॉकेट स्प्रिंग के साथ है सर ये। अच्छा पॉकेट स्प्रिंग वाली एक बिल्कुल कुशन डाला हुआ है इसमें बिल्कुल सर। 18 वो अपना ये 6 इंच का मैट्रस होता है, ये अपना पॉकेट स्प्रिंग का वो यूज होता है सर इसमें। और इसमें जो मैकेनिज्म है अभी मैनुअल के अंदर है, सिंगल आर है सर ये। ठीक है बिल्कुल, एक बैठ के दिखा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी ये मैनुअल के अंदर है, इसका जो कम्फर्ट है वो बिल्कुल जो अपना मोटराइज होता है वो फील देगा आपको, सेटिंग में भी बैक में भी। इसमें जो हम अपना फाइबर यूज करते हैं वो रिलायंस की वर्जन की फाइबर होती है सर। अच्छा रेकरॉन कह रहे हैं आप रिलायंस बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने पॉकेट स्प्रिंग बताई ना, एक राइडर रिक्लाइनर का लेजी बॉय, यस सर, जो पॉकेट स्प्रिंग वाली गद्दी होती है वो वही फील देती है। पता नहीं आप क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता सर। हमारे यहाँ पे इसको स्पैरो बोलते हैं एक्चुअली ना, स्टिचिंग की वजह से इसको बोलते हैं स्पैरो सोफा। एक्चुअली क्या है, ये जो इसकी जो लुक है वो बिल्कुल स्पैरो की है। ठीक है, तो इसीलिए सर हमने काफी कलर्स में बनाया है, बट रिसेंटली अभी कल ही हमारे पास आया है ये सोफा ना। अच्छा। नेक्स्ट अलग कलर में, क्योंकि डिफरेंट सर आपको पता डिस्प्ले में कलर चेंजेस जरूरी है। तो हमारा जो लास्ट जो सोफा था वो ग्रीन कलर के अंदर था, तो हमने इसको कन्वर्ट किया ग्रे के अंदर। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ये स्पैरो सोफा हो गया। मार्केट में लेक्सस बोलते हैं। इसमें एक चीज अलग है मार्केट से कि आप ये देख रहे हैं ये कर्व आ रहा है आपका आम पर सर, ये मार्केट में सीधा होता है, आपका एकदम कर्व है सर। ये कर्व दिया, अगर आप देखोगे ना साइड से अगर बैठोगे, अगर बंदा सोने के लिए भी अगर सोचेगा तो आराम से उसमें लेट भी सकता है सर। ठीक है, बेड का फील भी अच्छा आएगा इस सोफे के अंदर सर। ठीक है, और इसकी सीटिंग है सर वो काफी कंफर्टेबल है, नेक्स्ट लेवल है सर। अगर इस पे बैठोगे आप तो अलग ही नेक्स्ट लेवल। आप बैठ के दिखाइए सर, हम तो पूरा दिन बैठे हैं, आप बैठ के देखिए। इसकी जो सीटिंग है वो काफी नेक्स्ट लेवल है सर। हमारा है आर्टिस्ट सोफा। कौन सा? आर्टिस्ट बिल्कुल। इसमें आप देखोगे बिल्कुल हैवी सोफा, बल्की सोफा, बल्की एकदम बिल्कुल जी। इसमें कलर ऑप्शन सर मैंने आपको बताया था वो हमारा अवेलेबल है, कोई भी कलर्स आप ले सकते हो। प्लस साइज का वो कस्टमाइजेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज में भी है और हैवी लुक में भी है। अगर इसमें बैठेंगे सिटिंग के लिए, अगर मैं कहूँ बैक रेस्ट हमारा अच्छा है, प्लस हैंडल के लिए भी काफी अच्छा है सर। अगर इसमें बैठता है तो बंदा थोड़ा फील अच्छा आता है सर। ठीक है, बल्कि ये एकदम आम इसका काफी चौड़ा एक फ्लैप दे रखा है आम पर बिल्कुल सर। इसमें जो फोमिंग है वो काफी डीप तक है, यहाँ भी है। स्टिचिंग देखिए आप, पूरी हैवी की गई है सर। ठीक है, ये सर है एनआर रोड सोफा बोलते हैं हम इसको ना। हाँ जी, ये वेलवेट फिनिश के अंदर है सर, सिंगल टोन है ये भी। इसमें हमने अपना फैब्रिक की गोल्डन पाइपिंग यूज की है सर। ठीक है, साइड में आप देखोगे लाइनिंग यूज की गई है सर, करीबन 1.5 इंची 2 इंची फोमिंग के अंदर इसकी स्टिचिंग होती है सर, विद सेम मैचिंग की जो हमारी पाइपिंग है ये वाली आप देख रहे हो। हाँ, सेम मैचिंग का गोल्ड का लेग दे दिया है सर। ठीक है बिल्कुल। फैब्रिक ये वेलवेट है सर, बट थोड़ा हैवी क्वालिटी का है सर। ये मेरे को फेदर टच दे रहा, फील दे रहा है एकदम बिल्कुल सर। आप देखोगे जैसे वो फेदर वाले अपने कुशन्स होते हैं ना, फेदर वाले फर वाले बिल्कुल, वो सॉफ्ट टच फील एकदम बिल्कुल सॉफ्ट टच मिलेगा आपको फैब्रिक के अंदर। ये काफी कॉस्टली फैब्रिक है। ठीक है, अब ये मेरे को थोड़ा कंफी फील दे रहा है एकदम, देखने में फील दे रहा, कंफी बैठने में तो पता लगेगा बाद में। इसका मैं बताऊं ना, इसमें 32 डेंसिटी की फोम है और सॉफ्टी फोम लगी हुई है। प्लस जो बैक में जो हमारी फाइबर हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था रिलायंस की बिल्कुल। इसमें जब बैठोगे आप तो एकदम ऐसा लगेगा बिल्कुल आपको रिक्लाइनर वाली फील आएगी इसके अंदर। जी जी वही बिल्कुल। ये देखिए सर, अभी एक्चुअली क्या है, हमने कल ही लॉन्च किया इस सोफे को ना, शायद मार्केट में आपको ये डिजाइन मिलेगा भी नहीं। रिसेंटली हमने कल ही इसको डिस्प्ले किया है सोफे को। ठीक है, और ये भी हमने वही आपको वेलवेट फिनिश के अंदर है, विदाउट शेडेड फैब्रिक है। इसका साइड का वर्क हमने अभी नया लॉन्च किया है सर ये। अच्छा डिजाइंस, इसके लेग्स भी बिल्कुल अलग है। 4 इंचेस लेग है सर। अगर लेग्स की अगर आपको हाइट चाहिए 6 इंचेस में चाहिए, 5 इंचेस चाहिए, वो हो जाएगा सर। ठीक है, इसकी जैसे साइड्स में लाइनिंग है सेम हमने बैक में कंटिन्यू की है। और इसकी जो लुक है सर बिल्कुल डिफरेंट है सर। आई थिंक मार्केट में शायद ये डिजाइन आपको देखने को मिले। जी जी बिल्कुल, कर सकते हो अपने ऑफिस वगैरह में। हाँ ऑफिस बिल्कुल। ये लेदराइट फील के अंदर है, प्लस शीशम का हमने यहाँ पे वुडन का बॉक्स दिया है। अच्छा शीशम है ये बिल्कुल सर। अभी इसमें हमने ना डार्क पॉलिश की गई है सर। अगर इसमें आपको चाहिए स्टोरेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है सर, वो हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको लेफ्ट राइट जो भी आपको बनवाना है वो बन जाएगा सर। इसमें कलर आपको मिल जाएगा, कोई भी कलर आपको चाहिए। ये बिल्कुल आपको ये लगा लो बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है। जी जी। वैसे जो रेगुलर सोफाज वगैरह की डेप्थ होती है वो करीबन 3 फीट के अंदर होती है, इसकी जो डेप्थ है ऑल ओवर सर 2.5 फीट के अंदर है। अच्छा, ऑल ओवर 2.5 फीट है उनकी? बिल्कुल सर, 36 इंच बता रहे हैं। 36 वो रहता है रेगुलर 36 इंचेस में, ये आपका रहने वाला 30 इंचेस में। इसकी इनर डेप्थ कितनी, जो सेटिंग वाली डेप्थ कितनी? सेटिंग डेप्थ है इसकी सर 22 रहने वाली है। इसकी 22 है और इसकी इन सोफों की सर रेगुलर आपके 24-25 के आसपास मिलेगी आपको। अच्छा, मिलती है, नहीं तो स्टैंडर्ड जो मार्केट में लोग रखता है 22 से 23 इंच रखते हैं। बिल्कुल सर। आप 24 बता रहे हैं, आप 24 देंगे? 24 देंगे, बिल्कुल ज्यादा दे रहे हैं। 24 इसलिए सर कुशंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है सोफास के अंदर, इसलिए हम 24 रखते हैं उसको। ठीक है, और एक बहुत अच्छा है आपने इसमें एक छोटा साइड टेबल दे दिया जो इसमें ही अटैच है और बताया शीशा में। ये भी सर सोफा हम अगर लाउंजर यूज कर लो, एज ए एल शेप यूज कर लो इसको। इसमें 6 बंदों की सिटिंग का स्पेस है सर इसमें। सर ये हाई बैक चेयर मैं भी आपको बोलूंगा, बिल्कुल ये देखिए, ये डबल टोन में है सर ये एक्चुअली। मजा आ गया सर, मजा आ गया। प्रिंटेड प्लस प्लेन फैब्रिक। इसमें जो मैंने लेग्स दिए हैं ये भी सर शीशम के लेग है, वही टीक फिनिश में बहुत अच्छा लग रहा है शीशम। सेम मैंने जो अपना प्रिंटेड यूज किया है सर फ्लोरल, बिल्कुल उससे मैचिंग का आप देखेंगे, मैचिंग का मैंने लेग यूज किया है। ये जो आप फैब्रिक देखोगे ये भी बिल्कुल लाइट उसका है, विदाउट शेडेड है सर फैब्रिक। ठीक है, नॉन शेडेड फैब्रिक। बिल्कुल सर। सर बहुत प्यारी लग रही है चेयर, कभी मेरे को जरा तो है ना, मैं यही चेयर आपसे लेकर जाऊंगा। और सर इसमें वेट आपको प्लस ही मिलेगा, जो अदर चेयर आप देखते हो मार्केट के अंदर कम से कम इसके आपको वेट भी कम से कम 40 ग्राउंड मिलेगा एक सिंगल चेयर के अंदर। 40 kg? 40 kg एक सिंगल चेयर के अंदर वेट मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा, बिल्कुल हैवी बेस के अंदर है सर ये, मतलब इसका हैवी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ आपके। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। और फेदर स्लीववेल दोनों का मिक्सचर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उससे नीचे तो नहीं जाते ना आप? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये सर मार्बल टॉप के अंदर है, कंपोजिट मार्बल है। ठीक है, एसएस की ये इसमें पूरी ग्रेड है सर। नीचे ग्लास भी है, एक्चुअली इसमें बफर लगेंगे सर अभी। अच्छा। और नीचे ड्रॉर्स वगैरह भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, अभी डिस्प्ले में नहीं है बट आने वाले वीकेंड में आपको और भी डिस्प्ले मिल जाएंगे टीवी यूनिट्स के अंदर। 6 सीटर डाइनिंग है, कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है, मेटल का बेस है। लाइफ टाइम का सर इसका होता है हमारा ना। अच्छा। कई बार क्या होता है जंग वगैरह का इशू आ जाता है सर। हाँ। तो वो आपको हमारी तरफ से निश्चिंत है कि आपको इस चीज का इशू नहीं आएगा। कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है सर, 5x3 इसका साइज रहने वाला है। इसमें देखेंगे जो आप ब्लैक है इसकी थीम ना, प्लस गोल्ड कलर की इसका कैप है। सेम हमने मैचिंग किया अपनी चेयर के अंदर, मैट एंड ग्लॉस दोनों मिलता है। बिल्कुल सर। और चेयर बहुत सुंदर, क्या फिनिशिंग है सर, कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है। बैक आपका पूरा सपोर्ट करता है ये ना। इसकी स्टिचिंग आप देखोगे बिल्कुल अलग है। और इससे इसका जो मैं आपको दिखाऊंगा ना मार्बल प्लस जो फैब्रिक है बिल्कुल मैचिंग का मिलेगा सर। हाँ, जो उसमें शेड्स आ रहे हैं वही बिल्कुल सर, वो हमने मैचिंग किया इसके अंदर। हाँ, ये देखिए, ये लाइट एंड डार्क का जो आ रहा है वही इसमें मिल रहा है। और इसमें सबसे अच्छी खास बात है ये जो छोटी सी पाइपिंग है, ये क्या लग रही है, जबरदस्त एकदम सीधी। ये बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलती है। बिल्कुल सर। ये कॉम्पैक्ट। ठीक है, इसमें सर वही अपना इसमें वुडन बेस रहने वाला है सर। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था सेम इसका गोल्ड अपना कैप रहेगी जैसी चेयर के अंदर। सेम हमने मैचिंग की हुई है। और व्हाइट एंड ब्राउन का मैंने कॉम्बिनेशन दे रखा है चेयर के अंदर। ठीक है, सेम स्टिचिंग सर जो लास्ट चेयर में थी सेम उसी तरह की मैंने कंटिन्यू की है। सेम डिजाइन है ये पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है ये भी। इसके साथ सिर्फ 4 चेयर रखी है। ये एक्चुअली सर ये कस्टमर की है, डिलीवरी जानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, कस्टमर की एक्चुअली है ना। ये कस्टमर ने फैब्रिक चूज किया अपनी पसंद से ना, पूरा डार्क लिया उन्होंने और पॉलिश भी उन्होंने अपनी मैचिंग से लिए। ये चेयर शायद आपको सर पूरे कहीं आई थिंक डेल का सेकंड ऑप्शन जो मेरे डिस्प्ले में वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला। अच्छा, वो 4 सीटर था? वो 4 सीटर है सर, ये 6 सीटर आ गया। 6x3 इसका साइज रहने वाला है। अच्छा, सागवान बेस रहने वाला है सर। ठीक है, और इसका नीचे का बेस आप देखोगे बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा सर, कॉम्पैक्ट साइज में है। ठीक है, ये वुडन में आ गया, हमारा सागवान में, सागवान वुड के अंदर आ गया सर। ठीक है, इसकी चेयर की क्वालिटी आप देखोगे, फिनिशिंग देखोगे सर, ये जो हमने अभी दिखाई थी ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर है सर। ठीक है, अगर कोई मैट चाहता मैट मिल जाएगी, ग्लॉसी चाहता ग्लॉस भी मिल जाएगी। बिल्कुल सर। तो क्या आपको यूनिक चेयर मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत कम है सर, मैंने मार्केट में देखी है, सिर्फ रॉ देखी है, कभी फिनिश नहीं देखी जो यहाँ पे पूरी बनी। सर मैं वही बता रहा हूँ, पॉलिश कस्टमर के अकॉर्डिंग होगी, जो भी उनको चाहिए वो मिल जाएगी, मैट हो ग्लॉसी हो सब मिल जाएगी। कुछ लोग होता है उनको पूरी वुडन चाहिए होती है, वुडन में सर मेरे पास है 4 सीटर लगी हुई है, सागवान वुड के अंदर लगी हुई है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, ये पूरी टीक वुड है। बिल्कुल सर, बताइए इसके बारे में। ये ग्लास के साथ है सर एक्चुअली। अच्छा, डिजिटल ग्लास। बिल्कुल, अभी ग्लास के अंदर अगर आपको ओनेक्स के अंदर चाहिए या अदर मार्बल के अंदर चाहिए वो हो जाएगा सर। प्राइस अलग थोड़ा बढ़ जाएगा उसका? प्राइस बढ़ेगा सर, अभी ग्लास के अंदर है, 4 सीटर के अंदर है। इसमें भी सोफास की काफी अच्छी कलेक्शन है, प्लस बेड्स की भी है, चेयर्स की भी है। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ 3+2+2, ठीक है, 7 सीटर सोफा रहने वाला, लेदराइट के अंदर है सर ये। ठीक है, कॉम्पैक्ट में भी है ये, प्लस थोड़ा बल्की है ये। अगर आपको ड्राइंग रूम के लिए थोड़ा हैवी लुक चाहिए तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फैब्रिक में, लेदराइट में, या फिर आप वेलवेट में भी इसको कन्वर्ट करा सकते हो। साइज मैंने आपको बताया था, कस्टमाइजेशन करा सकते हो आप सोफाज के अंदर। हाँ, ये अभी जो सोफा है सर ये 3+2+2 में रहने वाला है। ठीक है, प्लस इसमें जो लेग्स लगे हुए हैं वो सिल्वर कलर के लगे हुए हैं, 5 इंचेस के अंदर सर। ठीक है, लेदराइट के अंदर है, वाइट फिनिश, वाइट फैब्रिक मैंने यूज़ किया है। हाँ। प्लस जो इसमें आप मैं आपके व्यूवर्स को आपको बोलूँगा कि व्यूवर्स को दिखाइए, इसमें वुडन का मैंने एक यूज़ किया है सर पट्टी ना। ठीक है, ये सागवान की रहने वाली है, प्लस में इसमें जो लैग है वो भी सागवान वुड के अंदर है। ठीक है, ये भी कॉम्पैक्ट साइज है। और इसमें जो सिटिंग है सर वो बैक में पूरे कुशनिंग की गई है सर, फाइबर की। अच्छा, अगर इसमें आप बैठोगे सिटिंग में आप काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगा आपको सोफा। अच्छा, सीट पर भी फाइबर है, बैक पर भी फाइबर है? बिल्कुल सर। ठीक है, एक्चुअली क्या ये ऑनलाइन आपको काफी देखने को मिल जाएगा। ये यूकॉन सोफा है सर, 3+2+1 रहने वाला है, विद सेट ऑफ 2 सेंटर टेबल के साथ है अभी ये। ठीक है, ये वेलवेट फैब्रिक के अंदर है सर, प्लस जो इसमें नीचे हमने चौकी यूज किया वुडन की, उसके ऊपर मैंने मेटल का एक आप देखोगे ब्रास यूज किया सर। अच्छा, पेस्ट कर रखा है ये उस पर? बिल्कुल सर। ठीक है, प्लस मैंने गोल्ड की पाइपिंग कर रखी है फैब्रिक की, साइड में इसमें एक डिजाइन दे रखा है सर क्रिस क्रॉस का। आपने बिल्कुल स्ट्रेच कर रखा मशीन से? बिल्कुल सर। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने वुडन पर ये पेस्ट कर रखा है मेटल। सर पेस्ट भी है, प्लस जो इसमें यूज किया गया है आप मार्केट में देखोगे ना कहीं पे भी लोकल होता है हमारा। ये जो आपको एसएस मिलेगा 304 मिलेगा। ठीक है, इसकी जो वारंटी मिलेगी आपको जो सोफा की मिल रही है 5 ईयर वारंटी सेम मिलेगी आपको। मैं वही कह रहा हूँ, आपने साफ बताया कि पेस्ट करा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं पूरा फ्रेम है। नहीं सर, पेस्ट किया गया है। अच्छा कि बताया, ठीक है। तो अभी कॉम्पैक्ट साइज में एज ए काउच भी आप इसको यूज कर सकते हो सर। सोफा नहीं, मैं इसको काउच भी बोल सकता हूँ सर। हाँ। थोड़ा एंटीक है सर, ये मार्केट में रेयरली आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, बल्कि है ये? बिल्कुल सर, इसका मैं फ्रेम आप बिल्कुल, इसका फ्रेम पूरा प्लाई में बनता है सर, करीबन 18 mm की प्लाई में यूज होता है सर। ये बैंड प्लाई के अंदर बनता है सोफा। ये कर्व है ना, पूरा वन पीस में जा रहा है सर, कोई जोड़ नहीं है इसमें, ये पूरा वन पीस में जा रहा है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक। बिल्कुल, ठीक है। इसकी भी मैं स्टिचिंग आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी, कोई भी स्टिचिंग आपको इधर उधर नहीं मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी। एम्बोस्ड है काफी, और काफी उभरी हुई है। हाँ। ये भी काफी आपको मार्केट में अभी रेगुलर चल रहा है सर ये, बट जो हम फैब्रिक यूज कर रहे हैं काफी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा आपको ये गोल्डन वाला। ठीक है, और इसके साथ ये चेयर रखिए, ये फिंगर चेयर बोलते हैं सर हम इसको ना। इसमें भी कस्टमाइजेशन है, विद लेग्स की, विद फैब्रिक की, थोड़ा यूनिक है डिजाइन, आपको मिलेगा नहीं सर मार्केट में ना। हाँ, नहीं मैंने नहीं देखा, स्टोर पर नहीं देखा, बहुत यूनिक है, काफी अलग है ये सर, थोड़ा डिफरेंट ही है। हाँ। ये अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक किया है हमारे पास। ठीक है, जैसे मेरी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक हमने सिर्फ लोटस देखा था मार्केट में, जो बहुत आजकल भेड़ चाल की तरह चल रहा है, काफी डिफरेंट है ये, भेड़ चाल की तरह चल रहा है लोटस, हर कोई लोटस रख रहा है, ये कुछ अलग है। आपने कुछ अलग दिखाया, अच्छा है काफी। जल्दी इसकी बात कर लेते हैं, बताइए। ये वायलर सोफा है सर हमारा, ये भी व्हाइट के अंदर है, वेलवेट फिनिश के अंदर है, प्लस इसकी जो सिटिंग है वो सीट दी है हमने। अच्छा, डिवाइड नहीं किया, सिंगल सीट मैंने दी है, वन पीस में दी है, और कॉम्पैक्ट साइज में। और इसकी जो कुशनिंग है करीबन 8 इंच मैट्रेस के अंदर की गई है सर, 8 इंच मैट्रेस। बिल्कुल सर, रीजन अगर रेगुलर आप देखोगे 4 इंच मैट्रेस चलता है, बट हमने इस सोफे के अंदर जो यूज किया है वो 8 इंच का मैट्रेस यूज किया है सर। अच्छा, बिल्कुल, इसका रीजन है सर कंफर्ट के लिए, जो सोफा का जो लुक है वो कंफर्ट दिखती है सर दूर से देखने में। अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल कंफर्ट सोफा है, इसके जो आर्म देखोगे बिल्कुल आप देखो एकदम थोड़ा हटके है मार्केट से। जी जी जी, एक उससे बैठ के जा सकते हैं, कंफर्ट पता लग जाता है इससे ना। आपको बैक में भी कुशनिंग करीबन मिल जाएगी 3 इंच, कितना भी आपके दबाओगे इसको, पूरा पुश करोगे तो भी आपको सॉफ्टी फील होगी सर। ठीक है, और एक फोम की पहचान होती है, उसको प्रेस करो, अगर एकदम उठ जाए तो अच्छी फॉर्म है, बिल्कुल धीरे-धीरे उठे तो एक बेकार फॉर्म। अब इसकी मैं वही दिखा रहा हूँ सर, मेन आपको ये मैं फिनिशिंग दिखा रहा हूँ सोफे की, ये स्टिचिंग यहाँ से जा रही है, सेम आपको मैच करती हुई मिलेगी, मिल रही है, ये नहीं है इधर उधर भाग रही है, बिल्कुल सेम मिलेगी सर। ठीक है, इसमें अनकॉमन डिजाइन है ये वाला। ये सर, ये तो सर हमारा रेगुलर है, ये तो शायद ही मार्केट में कोई कर पाएगा इसको कॉपी, काफी लोगों ने इसको किया भी है सर कॉपी, बट कर नहीं पाया है सर। अच्छा, कर नहीं पाया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बताइए, ये हमने ब्लू बेड है सर हमारा ना, ये इसमें विनियर का वर्क है सर पूरा, फ्रंट में सेटी है ठीक है, विदाउट स्टोरेज है फ्रंट में ना उस बेड में, सेम जैसे ऊपर दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसकी मैं आपको बोलूंगा कि आप साइड टेबल है सर, वुडन वर्क है इसके, ये आप ये देखिए मेटल के हैं सर, ये नहीं मिलेंगे आपको। ये इसकी ड्रॉर है सर, फिनिशिंग साफ सुथरी अंदर से, पीयू पॉलिश के अंदर है सर पूरा, मैट और ये, हाँ बिल्कुल, ये टीक वुड वर्क है सर पूरा, साइड में पूरा विनियर है। अब ये पॉलिएस्टर बेड मार्केट में बहुत महंगा बिकता है पॉलिएस्टर सर, ये हमारा रिसेंटली अभी लास्ट वीक ही आया अभी। अच्छा, ये भी सर टू साइड टेबल के साथ है, ये पूरा पॉलिएस्टर है सर। यहाँ भी अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी ये है सर आपका माइका के अंदर है सर, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विद लैमिनेट मिल रहा है 78,000। बिल्कुल बिल्कुल सर, शायद मार्केट में मैं चैलेंज कर रहा हूँ अगर कोई दे दे इसको सर। माइका के अंदर है और फैब्रिक वाली माइका होगी, 0.8 mm की 10 साल की वारंटी आपने बताई थी। बिल्कुल सर, टर्माइट की होगी। जल्दी से ये दो चेयर दिखाते हैं और वीडियो एंड करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो होगी, बहुत अलग, बहुत यूनिक है ये चेयर। ये सर बार स्टूल बोल सकते हैं इसको, बार स्टूल हमारा। बिल्कुल, ये किचन वगैरह में यूज कर सकते हो सर आप, बार्स वगैरह में यूज कर सकते हो। स्टिचिंग इसकी काफी अच्छी लग रही है, लेदराइट फिनिश के अंदर है सर, ये अप एंड डाउन हो सकता है सर, ये रहा ठीक है। तो ये बार स्टूल हो गया हमारा, ये किचन में यूज करें या अपने किसी रेस्टोरेंट में, किचन वगैरह में, लॉबी में, हर तरह आप यूज कर सकते हो इसको। इसमें आप देखिए ये थोड़ा उसमें रेड कलर के अंदर है, विद फुटरेस्ट के अंदर है जी, और सागवान वुड के इसके लेग्स है। रेस्ट चेयर बोलते हैं सर हम इसको ना, काफी अच्छी है। बिल्कुल सर, कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है, रेस्ट चेयर बोलते हैं हम इसको। तो मैंने आपको बताया था आप रिक्लाइनर भी ले सकते हैं या फिर रेस्ट चेयर अगर रिक्वायरमेंट आपको तो वो भी ले सकते हो सर आप। मेरे को ना आपकी स्पेशलाइजेशन स्ट्रेचिंग में लग रही है, अब जो ये स्ट्रेचिंग आपने अलग से ऊपर वाली दे रखी है ना, ये मार्केट में कोई नहीं देता, ये एकदम यहाँ ऊपर सर। ये आपको कोई भी थ्रेड ना इधर उधर नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंगल एक लेवल में मिलेगा आपको, चाहे वो बैक का है, सिटिंग का, कोई भी लेवल है, बिल्कुल सिंगल एक ही मिलेगा आपको। एक अपनी हाई बैक चेयर दिखा देता हूँ ठीक है, ये प्रिंटेड में होने वाली है सर, विद सागवान वुड के अंदर है, इसके 8 इंचेस लैग है, विद गोल्डन फिनिश के अंदर है सर ये ठीक है। ये प्रिंटेड में और येलो इसके साथ कुशन से कुल्टिंग हो रखी है, ये पक्की कुल्टिंग के अंदर है। एक्चुअली मार्केट में चलता है कच्ची कुल्टिंग है, वो तो खुलने का डर रहता है सर, जो बिल्कुल ये पक्की कुल्टिंग मिलने वाली है। हाई बैग है, इसकी हाइट करीबन आपकी 4 फीट के अंदर हो जाएगी सर ठीक है।